हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो गर्मियों में बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और आइसक्रीम बनाने का ऐसा नया तरीका लेके आई हूँ जिससे आप पूरी गर्मियाँ घर पे ही आइसक्रीम बनाकर खा सकते हैं। और आपको भी पता है, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हम घर पे ही बनाकर खाएं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये सब चीज़ें बाहर से खाना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 कप पानी लिया है, आप इसकी जगह 2 ग्लास पानी ले सकते हैं। साथ में ही मैंने लिया है 1 किलो चीनी, चीनी को भी हम इसमें डाल लेंगे। 1 किलो चीनी लेने का कारण यही है कि ये सिरप आपका पूरी गर्मियाँ चल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीनी का यूज़ किया है, ताकि फिर आपको ये बार बार ना बनाना पड़े। और इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को इतना पकाना है कि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए। इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहेंगे तो उससे चीनी जल्दी से घुल जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है, मतलब इसमें चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। उबलने के बाद भी हम इसको एक बार और मिक्स कर लेंगे, जो भी इसमें नीचे थोड़ी बहुत चीनी बच गई होगी वो भी अच्छे से घुल जाएगी। चीनी मिक्स होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड, मतलब जिसको टार्टरी या फिर नींबू सत भी बोलते हैं। जब हम इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे उस टाइम हमें गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देना है। और ये आप देख सकते हैं, सिट्रिक एसिड डालते ही ये पानी बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। एक बार के लिए ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं उस टाइम इसमें झाग बन जाते हैं। और इसको मिक्स होने में सिर्फ 1 मिनट ही लगता है, तो ये मिक्स हो गई है और हमारा ये सिरप बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम गैस से उतार लेंगे और यहाँ पे इसको हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। आप इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। ये लगभग 40 मिनट में हमारा सिरप ठंडा हो गया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनाई थी, सिर्फ चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया था। अब इस सिरप को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोतल ली है। मेरे पास ये बोतल है, आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 8 फ्लेवर्स की आइसक्रीम बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये 8 बोतल ले ली हैं। जो सिरप हमने बनाकर रेडी किया था उसको हम इसमें बराबर बराबर मात्रा में डाल लेंगे। आपको अगर कोई फ्लेवर ज़्यादा बनाकर रखना है तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 8 की 8 बोतलों में ये सिरप बिल्कुल बराबर मात्रा में डाल लिया है। अब इसमें फ्लेवर और कलर दोनों चीज़ें लाने के लिए मैं यहाँ पे फूड एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। ये आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा, इसमें आपको 10 फ्लेवर मिल जाते हैं और ये ऑनलाइन आपको 300 रुपये के आसपास पड़ेगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें हम फ्लेवर ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ 1/4 टीस्पून खसका फ्लेवर, 1/4 टीस्पून स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, 1/4 टीस्पून पाइनएप्पल फ्लेवर और 1/4 टीस्पून कोला का फ्लेवर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फ्लेवर, 1/4 टीस्पून रेड रोज़ फ्लेवर, 1/4 टीस्पून मैंगो फ्लेवर और सबसे लास्ट में 1/4 टीस्पून काला खट्टा का फ्लेवर। अब इन सभी के हम ढक्कन लगा लेंगे और इन सभी फ्लेवर को इस सिरप में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मिक्स करते ही इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इस सिरप को हम 2 साल के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और इसी सिरप से मैंने आपको बर्फ़ का गोला बनाना भी बताया है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक मोल्ड लिए हैं, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में इस तरह किसी नॉर्मल बर्तन में भी आइसक्रीम बना सकते हैं। अब आइसक्रीम बनाने के लिए मैं सभी फ्लेवर्स का इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसमें 4 हिस्से आपको पानी के रखने हैं और 1 हिस्सा आपको फ्लेवर का रखना है, मतलब 4 टेबलस्पून पानी है तो हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्लेवर का ऐड करेंगे। अगर आप किसी और बर्तन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ऐसे ही रखना है, 4 हिस्से पानी के और 1 हिस्सा फ्लेवर का। मैंने सभी फ्लेवर का 1 टेबलस्पून इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मेरे आइसक्रीम मोल्ड में 4 टेबलस्पून पानी के आए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने फ्लेवर का डाला है। अब इन सभी में पानी डालकर हम फ्लेवर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टिक का यूज़ किया है। आप स्पून के पीछे वाली साइड से भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसे ही मोल्ड है तो। अब इन सभी का हम ढक्कन लगा लेंगे।
अब इनको हम फ्रीज कर लेंगे या तो 7 से 8 घंटे के लिए या फिर आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारी आइसक्रीम अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी में डीप करेंगे इनको अच्छे से इसमें से निकालने के लिए। अब मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ एक आइसक्रीम। और ये देखिए इस आइसक्रीम का कितना प्यारा कलर आया है। ऐसे ही सभी हमारे 8 के 8 फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनकर रेडी है। और इस तरीके से आप पूरी गर्मियाँ आइसक्रीम बनाकर खा सकते हैं और साथ में एक गोला भी बना सकते हैं। उसकी वीडियो भी ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। अब ये मैंने नॉर्मल एक छोटे ग्लास में भी आइसक्रीम जमा ली थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी देखिए कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से घर के नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।